हाय फ्रेंड, कैसे हैं? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनिया मैथमेटिक्स। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और ठीक होंगे। और मेरे प्रीवियस लेक्चर को आप लोग जरूर देखे होइएगा। तो इसके प्रीवियस लेक्चर में मैं आप लोगों को एंगल बिटवीन टू लाइंस यानी दो लाइन के बीच एंगल को हम कैसे निकालते हैं उसके बारे में बताया था, जो कि मेरा 3D पे लेक्चर क्या था, 3D था। तो आज के लेक्चर यानी लेक्चर 4 में मैं आप लोगों को 3D का नेक्स्ट टॉपिक एसक्यू लाइंस बताऊंगा। यानी एसक्यू लाइंस का हिंदी होता है विषमतलीय रेखा। तो आइए आज के लेक्चर में हम जानेंगे एसक्यू लाइंस होता क्या है। यानी हमने बहुत सी रेखाएं यानी पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में ऑलरेडी पहले से हम जानते हैं, लेकिन यहाँ एसक्यू लाइंस जो है क्या है, हम लोगों के लिए न्यू है। तो आइए इसको हम जानेंगे। तो कहने का मतलब दो वैसी रेखाएं जो ना तो पैरेलल होती है और ना ही इंटरसेक्टिंग होती है, उसे हम क्या बोलेंगे, एसक्यू लाइंस बोलेंगे यानी विषमतलीय रेखा बोलेंगे। कहने का मतलब हमने क्या बताया, इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, डिफिनेशन टू लाइंस इन स्पेस विच आर नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल इच कॉल्ड एसक्यू लाइंस। समझ में आ रहा है? यानी कहने का मतलब किसी अंतरिक्ष में वैसी दो रेखाएं जो ना तो पैरेलल होती है और ना ही इंटरसेक्टिंग होती है, उसे हम क्या बोलेंगे, एसक्यू लाइंस बोलेंगे। तो आइए इसको हम फिगर के द्वारा देखते हैं कि एसक्यू लाइंस कैसा होता है। क्या जिसे हम सबसे पहले इसका फिगर ड्रॉ करेंगे, फिगर के द्वारा हम समझते हैं। मान लेते हैं कोई क्यूबॉइड ले ले या क्यूब ले ले, ठीक है ना। क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये इस पे परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो इस क्यूबॉइड में, इस क्यूबॉइड में एसक्यू लाइंस हमको बताना है। तो हम मान लेते हैं मेरा क्या है, ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो इसमें मेरा एसक्यू लाइंस क्या हो जाएगा, आइए हम निकालते हैं। यही मेरा क्या होगा, एसक्यू लाइंस होगा। समझ में आ रहा है ना? यानी सी डी और ए बी जो होगा, ए बी या बी ए, दोनों क्या होगा, एसक्यू लाइंस होगा। तो यहां लिखेंगे, फ्रॉम एबव फिगर ए बी and CD are SQ lines। यानी कहने का मतलब ये ऊपर वाला जो फिगर है ना, इसमें AB और CD क्या है, दोनों SQ lines है। अब इस AB को हम या BA को बढ़ाएंगे तो ये ना कभी intersecting होगा और ना ही कभी parallel होगा। कहने का मतलब ऐसा फिगर आएगा, इसको कितना हम आगे ले जाएंगे तो कभी इंटरसेक्ट करेगा और ना ही पैरेलल होगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये रहा एसक्यू लाइंस। तो इसको आप लोग लिखिए, इसके बाद मैं आप लोगों को इसके जस्ट नेक्स्ट वाला कंसेप्ट बता रहा हूं। तो चलिए, अभी हमने आप लोगों को एसक्यू लाइंस बताया है, तो अब हमको क्या बताना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एसक्यू लाइंस यानी दो एसक्यू लाइंस के बीच
सबसे निकटतम दूरी क्या होता है इसको जानेंगे। तो सबसे पहले द लेंथ ऑफ ए लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द टू लाइंस इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। मान लेते हैं ए बी और सी डी मेरा दो स्क्यू लाइंस है। अब यहाँ ए सी जो है ना, क्या सी डी और ए बी दोनों पे परपेंडिकुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ए सी मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो यहाँ आप लोगों को पता चल गया कि ए सी मेरा क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। कहने का मतलब यहाँ ए सी जो है क्या है, ए बी पे परपेंडिकुलर है, फिर ए सी जो क्या है, सी डी पे परपेंडिकुलर है, तो मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, ए सी होगा। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम एबव फिगर दी लेंथ ऑफ ए सी इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एसक्यू लाइंस। अब यहां देखिए यह मेरा एसी क्या हो गया, एसक्यू लाइंस हो गया। तो इट इज डिनोटेड बाई एस टी, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, एस डी लिखते हैं। समझ में आ रहा है ना, कहीं भी एस डी लिखा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, फ्रॉम अबव फिगर द लेंथ ऑफ ए सी इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एसक्यू लाइंस। ऐसे भी आप देख सकते हैं कि अगर हम सी से डी की तरफ जाएंगे और ए से बी की तरफ जाएंगे तो दोनों एसक्यू लाइंस के बीच की दूरी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। जैसे मान लेते एक पॉइंट हमने यहाँ लिया, एक पॉइंट यहाँ लिया, एक पॉइंट हमने यहाँ लिया, एक पॉइंट यहाँ लिया। अगर हम इससे इसको मिलाएंगे और इससे इसको मिलाएंगे, दोनों यानी इसको P मानेंगे, इसको Q मानेंगे, इसको R मानेंगे, इसको S मानेंगे, तो P S जो होगा Q R से क्या होगा, छोटा होगा। समझ में आ रहा है ना, ऐसे भी हम चेक कर सकते हैं। समझ में आ गया, इसको आप लोग लिखिए, इसको आप लोग लिखिए। इसके बाद मैं आप लोगों को यानी दो एसक्यू लाइंस के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कैसे निकालते हैं, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम निकाल कर बताएंगे। इसको आप लोग लिखिए। तो आइए अब क्या है मेरा, फाइंड दी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एसक्यू लाइंस, यानी दो एसक्यू लाइंस के बीच हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कैसे निकालेंगे, यानी यहाँ पे हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ मेरा एक लाइन यानी एक एसक्यू लाइन ए है और ये क्या है, ए है। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो इस लाइन का इक्वेशन हमने अपने 3D के फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि किसी एक पॉइंट और एक पोजिशन वेक्टर से पास करने वाले लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो हमने मान लिया ये पॉइंट क्या है, पी है, और इस पे पॉइंट मेरा पी है। अब यहाँ पी है और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, b1 वेक्टर है। समझ में आ रहा है। अब यहाँ देखिए, और ये मेरा क्या है, ये एसक्यू लाइंस पे पॉइंट मेरा क्या है, क्यू है, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, b2 वेक्टर है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब P से Q को मिला देंगे, P से Q को मिलाएंगे। समझ में आ रहा है। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, R वेक्टर जो होगा, R वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, R वेक्टर बराबर हो जाएगा A1 वेक्टर प्लस लेमडा B1 वेक्टर। फिर इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, R वेक्टर बराबर हो जाएगा A2 वेक्टर प्लस म्यू B2 वेक्टर। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे नाउ, क्या निकालेंगे, नाउ
हम पी क्यू निकालेंगे, यानी पी क्यू वेक्टर जो हो जाएगा, पी क्यू वेक्टर मेरा कितना हो जाएगा, यानी ए टू वेक्टर में से ए वन वेक्टर को घटा देंगे। अब यहां लिखेंगे सिंस, अब क्या है एसी जो है ना, एसी सिंस एसी जो है वह क्या है, परपेंडिकुलर टू बी वन वेक्टर, एंड फिर एसी जो मेरा है एसी वह किस पे परपेंडिकुलर है, एसी जो है बी वन पर भी परपेंडिकुलर है और फिर बी टू पर भी परपेंडिकुलर है, यानी बी टू वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर है, तो क्या हो जाएगा, तो इसीलिए डायरेक्शन ऑफ एसी वेक्टर जो हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ बी वन वेक्टर क्रॉस बी टू वेक्टर, बात समझ में आ रहा है, यानी याद कीजिए वेक्टर चैप्टर में हमने बताया था क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, यानी कहने का मतलब दो को वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना वह क्या होता है, यानी एक नॉर्मल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ एसी मेरा क्या है बी वन वेक्टर और बी टू वेक्टर पे क्या है, नॉर्मल है यानी परपेंडिकुलर है, तो यहाँ एसी अगर बी वन वेक्टर और बी टू वेक्टर पर परपेंडिकुलर है ना, तो एसी वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, बी वन वेक्टर क्रॉस बी टू वेक्टर, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ देखिए, इसीलिए एसी वेक्टर जो हो जाएगा क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर ऑन एसी वेक्टर। अब यहां देखिए, हमने याद कीजिए वेक्टर चैप्टर में बताया था, क्या बताया था, मान लेते हैं एक वेक्टर मेरा क्या है बी वेक्टर है और एक क्या है ए वेक्टर है, तो इस ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी पे, यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी, यानी प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर जो होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर होता है। इस फॉर्मूला को याद कीजिए, जब हमने वेक्टर चैप्टर पढ़ा रहा था तो वहां पे प्रोजेक्शन हमने पढ़ाया था, तो यहाँ पे पी क्यू वेक्टर का प्रोजेक्शन कहाँ, एसी पे हमको बताना है, तो क्या हो जाएगा, इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे और यहाँ हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ, तो इसीलिए यहाँ हो जाएगा एसी वेक्टर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, क्या होगा बताइए, अभी हमने बता दिया पी क्यू वेक्टर डॉट एसी वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड ऑफ एसी वेक्टर, बात समझ में आ रहा है, तो यहाँ मान रखिए पी क्यू वेक्टर कितना है मेरा, पी क्यू कितना है, तो यहाँ हो जाएगा ए टू वेक्टर माइनस ए वन वेक्टर, फिर यहाँ डॉट एसी कितना है एसी वेक्टर, एसी कितना है एसी बी वन वेक्टर क्रॉस बी टू वेक्टर, बी वन वेक्टर क्रॉस बी टू वेक्टर, बट्टा कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ एसी वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन वेक्टर क्रॉस बी टू वेक्टर, समझ में आ रहा है, यहाँ एसी वेक्टर हमारा निकला, तो इस फिर यहाँ क्या इस डायरेक्शन सॉरी डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है, इस दोनों तरफ क्या लेंगे मैग्नीट्यूड ले लेंगे, समझ में आ रहा है ना, सॉरी मोड ले लेंगे, तो मोड ए टू वेक्टर माइनस ए वन वेक्टर डॉट बी वन वेक्टर क्रॉस बी टू वेक्टर का मोड बटा क्या हो जाएगा, थोड़ा और नीचे लिखते हैं, यहाँ देखिए यहाँ यहाँ एसी वेक्टर का जो मॉड हो जाएगा क्या हो जाएगा ए टू वेक्टर माइनस ए वन वेक्टर, फिर यहाँ हो जाएगा बी वन वेक्टर क्रॉस बी टू वेक्टर का मॉड बटा कितना हो जाएगा, मॉड बी वन वेक्टर क्रॉस
B2 वेक्टर। अब यहां देखिए, तो इसीलिए SD जो हो जाएगा, SD क्या हो जाएगा, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, फिर हो जाएगा B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मॉड बटा B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मॉड। यही मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हो गया। समझ में आ रहा है ना? यानी इस फॉर्मूला का यूज करके हम दो एसक्यू लाइंस के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मॉड बटा B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इसको आप लोग लिखिए। यानी आज का लेक्चर में मेरा 3D पे जो 11.2 का जो थ्योरम था वह खत्म हुआ, और इसके बाद वाले लेक्चर में मैं आप लोगों को यानी एक्सरसाइज 11.2 का सॉल्यूशन लाऊंगा। तो आज का लेक्चर मेरा यहीं पे एंड होता है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि मेरे वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।